Morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are discuss pomegranate crop. ठीक है, pomegranate crop की आज अपने बात करेंगे. फर्स्ट हमारा है बोटेनिकल नेम है इसका पुनिका ग्रेनेंटम. ठीक है, पुनिका ग्रेनेंटम इसका साइंटिफिक नेम है पोमग्रेनेट का. फैमिली की बात करें तो पुनिकेसी फैमिली है. ओरिजन जो है इसका ईरान है. ओके, क्रोमोसोम नंबर 2 and 18 है. टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो ब्लूस्टा है. टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस की बात करें तो हाइपेनथोडियम. ठीक है, हाइपेनथोडियम. ओके, और एडिबल पार्ट जो इसका खाने वाला भाग है, एडिबल पार्ट है जूसी सीड कोट, इसका एडिबल पार्ट है. ओके, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया हैज ऑक्यूपाई फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पोमग्रेनेट एरिया एंड प्रोडक्शन. ठीक है, इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है, एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी. और इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन द पोमग्रेनेट प्रोडक्शन इन इंडिया. ओके, और नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, फ्रूट क्रैकिंग इज कॉमन इन मृग बहार एंड सच बहार फ्रूट आर आल्सो मोर प्रूनड बाय इंसेक्ट पेस्ट. ठीक है, इसके अलग अलग बहार है, अंबे बहार है, मृग बहार है, तो वो अपने आगे डिस्कस करेंगे, हस्त बहार है. ठीक है, तो जो बहार वगैरह आती हैं कि किस सीज़न पर फ्रूट लगाया जाता है, किस सीज़न पर से हार्वेस्टिंग होती है, वो आगे सब दे रखा है, वो अपने डिस्कस करेंगे. ओके, राजस्थान फार्मर टेक प्रोडक्शन फ्रॉम मृग बहार बिकॉज लो रेनफॉल एंड वाटर स्ट्रेस. ठीक है, अपनी जो राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से क्या है, मृग बहार इज बेटर ऑप्शन. ओके, और तुम्हारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एडिबल पोर्शन 68% होता है, ये याद रखना, लास्ट वाला पॉइंट है, एडिबल पोर्शन 68% है. और सेकेंड लास्ट पॉइंट है, पोमग्रेनेट कंटेन कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन एंड अदर मिनरल एज वेल एज विटामिन बी एंड सी. ओके, बीच वाले जो मैंने नहीं करवाए वो छोड़ देना. ठीक है, एक पॉइंट और कर लेना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमग्रेनेट कहाँ है, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 पॉइंट ये मैंने कराए हैं, जो मैंने निशान लगाए वो कर लेना. ओके, नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्लाइमेट की. ठीक है, क्लाइमेट की बात करेंगे कि पोमग्रेनेट को कौन कौन कैसी कैसी क्लाइमेट चाहिए. ओके, तो पोमग्रेनेट प्लांट हैज ए वर्सटाइल अडेप्टिबिलिटी टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. इट ग्रो बेस्ट इन सेमी एरिड क्लाइमेट. ठीक है, सेमी एरिड क्लाइमेट के अंदर इसे अच्छे से लगाया जा सकता है. वेयर कूल विंटर एंड हॉट एंड ड्राई समर प्रेवल. ठीक है, जहाँ कूल विंटर हो, हॉट एंड ड्राई समर भी हो. ठीक है, इन एरिया ऑफ लो टेम्परेचर द ट्री इज डेसीशियस बट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन इट इज एवर ग्रीन और पार्टिकली डेसीशियस. ठीक है, पोमग्रेनेट ट्री रिक्वायर्ड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हैविंग द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 38 degrees centigrade ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपिंग. ये इस लाइन सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है, मेनली काम की अपने यही लाइन है. पोमग्रेनेट ट्री को एक तो ड्राई और हॉट क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 38 degree फॉर राइपनिंग के लिए. ओके, राइपनिंग आगे तुम्हारी लाइन कौन सी काम की है. ठीक है, ये वाली लाइन कर लेना, यहाँ तक करके फिर लास्ट वाली लाइन करनी है, बीच वाली छोड़ देना. पोमग्रेनेट इज विंटर हार्डी एंड ड्रग टॉलरेंट प्लांट एंड कैन थ्राइव अंडर डेजर्ट कंडीशन बट बी एड वेल ओनली अंडर इरीगेशन. ठीक है, इसे जो है सूखे क्षेत्र में भी आप उगा सकते हो, लेकिन आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपने सोयल की. द पोमग्रेनेट इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट इट्स सोयल रिक्वायरमेंट एंड कैन बी ग्रो ऑन डाइवर्स टाइप ऑफ सोयल. ओके, द ट्री गिव्स वेरी गुड यील्ड इन डीप लोमी सोयल एंड एलुवियल सोयल विद 6.5 to 9 pH. इट कैन टॉलरेट सोयल विच आर लाइमी एंड स्लाइजली एल्कलाइन. इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन मीडियम एंड हाई ब्लैक सोयल एटलीस्ट 60 centimeter डीप पर इसे लगाते हैं. ओके, वेराइटीज की बात करें तो अपने को खाली नाम याद रखने हैं, गणेश है, आलंदी है, ढोलका है, जालोर सीडलेस है, मृदुल्ला है या जोधपुर रेड है, और भगवा सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है, भगवा याद रखना, भगवा. और बेदाना जो है ये भी इम्पोर्टेंट वेराइटी है, बेदाना. कोलाहारी भी इम्पोर्टेंट वेराइटी है, कोल्हापुर के अंदर चलती है. ठीक है, तो जो वेराइटीज़ मैंने लगाई हैं निशान, वो तुम अच्छे से याद करोगे. ठीक है, आलंदी है, ढोलका है, जोधपुर रेड है, ये वाली आ जाएंगी, फिर भगवा आ जाएगी इधर. ठीक है,
भगवान ये गणेश इंटू गुल की गुल्ले शाह के क्रॉस से प्रिपेयर की गई थी। ठीक है, जेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, गणेश इंटू गुल्ले शाह रेड के क्रॉस से तैयार की गई थी भगवा वेराइटी, तो वो तुम याद रखना। ठीक है, प्रोपोगेशन की बात करें तो हार्डवुड कटिंग से इसका प्रोपोगेशन होता है, जो प्रोपोगेशन का टाइमिंग है वो जुलाई टू अगस्त तो होनी चाहिए। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करूँ तो 5 to 6 into 5 to 6, अब लगभग 5 into 5 cm इसकी स्पेसिंग रखते हैं। रो टू रो डिस्टेंस 5 मीटर और प्लांट टू प्लांट भी 5 मीटर। ठीक है, पीट साइज की बात करूँ तो 50 into 50 into 50 cm हम रखते हैं। ठीक है, गड्ढे का आकार। प्लांटिंग टाइम है जो मॉनसून है। ट्रेनिंग मेथड है मल्टीपल स्टेम टेक ट्रेनिंग करनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग, बार बार स्टेम की तरफ काटा जाता है। प्रूनिंग टाइम जो है वो फरवरी में प्रूनिंग अपने करते हैं। इरिगेशन की बात करें तो समर के अंदर 7 to 10 days के इंटरवल पर करते हैं और विंटर के अंदर 15 to 20 days पर करते हैं। अगर अपने इनबैलेंस कर दिया इरिगेशन को, ठीक है, इनबैलेंस ऑफ इरिगेशन लीड टू फ्रूट क्रैकिंग, कम ज़्यादा पानी दे दिया तो फ्रूट क्रैक होने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, वेल रोटन FIM इज अप्लाइड पोमग्रेनेट प्लांट एट रेट ऑफ अबाउट 20 kg पर ट्री वाइल प्लांटिंग। ठीक है, तो 20 kg पर ट्री जो है प्लांटिंग के टाइम अपने इसको देंगे। ओके, तो 20 kg क्या क्या देते हैं, FIM देंगे 20 kg गिवन टू ईच प्लांट एवरी ईयर एट द ब्रेक ऑफ मानसून। ठीक है, मानसून के बाद क्या है, अपने 20 kg गोबर की खाद हर पौधे में देंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहा है बेरिंग ऑर्चार्ड शुड बी गिवन। बेरिंग ऑर्चार्ड का मतलब जो बाग लग रहा है उसमें 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फोरस एंड 250 ग्राम पोटाश पर प्लांट एज इट हैज़ बिन फाउंड एडिक्वेट फॉर 4 to 6 ईयर ओल्ड बियरिंग ट्री। ठीक है, जो 4 to 6 ईयर ओल्ड बियरिंग ट्री होगा उसके लिए ये बेस्ट है। हार्वेस्टिंग की बात करें, द फ्रूट आर रेडी फॉर हार्वेस्ट आफ्टर 5 to 7 month आफ्टर ब्लूसम। ठीक है, वेन स्किन टर्न स्लाइजली येलो, स्किन जो स्लाइजली येलो होगी, फ्रूट गिव ए मेटेलिक साउंड वेन टैप्ड, जब उसको टैप्ड किया जाएगा तो एक मेटेलिक साउंड सुनाई देगी। फ्रूट आर हार्वेस्टेड ईच ट्री बियर अबाउट 100 fruit एंड कंटिन्यूज टू गिव इकोनॉमिकल क्रॉप अप टू 25 to 30 ईयर। ठीक है, 25 से 30 साल तक ये फल देता है और पर प्लांट क्या है 100 fruit ये दे देता है। ठीक है, यील्ड की बात करें तो 60 to 120 kg पर हेक्टेयर है। ठीक है, और 40 to 60 kg ट्रीज और 20 to 25 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, जो 60 to 120 दिया है ये बड़े पेड़ों के लिए है और जो छोटे पेड़ हैं उनसे जो 40 to 60 kg पर ईयर प्रोडक्शन हमें मिलता है। ठीक है, पर ट्री, सॉरी पर ट्री प्रोडक्शन मिलता है, पर हेक्टेयर की बात करें तो 20 to 25 टन। ओके, स्टोरेज की बात करें तो इसको स्टोर कर सकते हैं 6 to 7 week तक 0.4-0.5 degree टेम्परेचर और 80 to 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। ओके, लास्ट अपने आ जाते हैं इसके इंसेक्ट और पेस्ट पर, क्या क्या इसके इंसेक्ट पेस्ट हैं। तो फर्स्ट अपने बात कर लेते हैं फ्रूट बोरर है और पोमग्रेनेट बटरफ्लाई। सबसे ज़्यादा क्या लगता है, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई लगता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर है जो छाल को खाता है, वो भी लगता है। स्टेम बोरर है, मिली बग है और एफिड है। ठीक है, स्केल इंसेक्ट छोड़ देना, ये ज़्यादा नहीं लगता। डिजीज की बात करूँ तो लीफ स्पॉट होता है जो बैक्टीरिया और फंगस दोनों के कारण है। ये बैक्टीरिया जैनथोमनास पुनिकेसी और फंगस कौन सा है, कोलेटोट्रेफम गोलिस्पोरियोडिस। ठीक है, फ्रूट रोट डी जो है ये भी एक फंगस है जो इसमें लगता है और विल्ट हो जाता है इन फंगस के कारण। ठीक है, तो ये डिजीज हो गए हमारे। तो इस तरह से हमारी जो अनार की जो क्रॉप है पुनिका ग्रेनेटम वो अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देख लेते हैं अनार वाली कंप्लीट हो गई है। तो इसको तुम क्या है अच्छे से याद करना, अभी तुम्हारा टेस्ट लेंगे, हो सकता है मंडे को या फिर कल, देखते हैं। एक क्रॉप तुम कोई भी कर लेना, उसका तुम्हारा टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद क्या है, फिर तुम्हें अपने टेस्ट ले लेंगे उसका और फिर आगे जो भी नंबर तुम्हारे लगाने हैं। ठीक है, जो भी न्यू एडमिशन है उनके क्या नंबर नहीं लगाए गए हैं फर्स्ट टर्म के अभी मैंने, क्योंकि तुम अभी नए आए थे तो तुम्हारा कुछ पड़ा नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हें काफ़ी क्रॉप करा दी हैं तो कोई भी क्रॉप तुम्हें देंगे और तुम टेस्ट देना, फिर उसमें से तुम्हारे नंबर हम लगा देंगे। ठीक है, तो जो अनार था पोमग्रेनेट था वो तो आज हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्रॉप कल अपने और करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप अपने देख लेते हैं कौन सी है तुम्हारी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है, नेक्स्ट अपनी पोटैटो क्रॉप है। ठीक है, वेजिटेबल्स हो शुरू, वेजिटेबल्स कल से स्टार्ट करेंगे। फ्रूट्स जितने थे हमारे 5-6 वो कंप्लीट हो गए हैं, कल से अपने वेजिटेबल स्टार्ट करेंगे। और पहली वेजिटेबल है पोटैटो, वेजिटेबल अपनी फर्स्ट है। ठीक है, पुअर मैन वेजिटेबल बोलते हैं या पुअर मैन का
पुअर मैन फ्रेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोटैटो अपने वेजिटेबल्स जो हैं वो कल से स्टार्ट करेंगे, फ्रूट आज अपने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।